is from Ludhiana. He, remember, lost the elections to the Congress's Amrinder Waring. Despite that, because Punjab is a state where the BJP's votes has actually gone up, the party was keen on having a Punjabi Sikh in the cabinet. Ravneet Bittu is speaking to India Today this moment. Let's listen. मेरे साथ है रवनीत सिंह बुट्टू, एकमात्र मंत्री हैं पंजाब से. सर, आपने कहा अर्श पे फर्श से मिनट में इंसान पहुंच जाता है. आपने खुद चार बार सांसद रहे, इस बार आपकी पार्टी का एक भी सांसद नहीं है, लेकिन फिर भी आप मंत्री बनने जा रहे हैं. क्या मैसेज देना चाहते हैं मोदी सर? ये मुझे बहुत क्लियर था भाई, अगर मैंने ये फैसला किया है तो इसके पीछे क्या है. मुझे ये, मैं इतना अनाड़ी नहीं हूं भी, मुझे ये पता नहीं था भी मेरी हार होगी या जीत होगी. लेकिन मैंने एक ये स्टेप लिया सोच के भी, मैं पंजाब का अगर कुछ करना चाहता हूं तो मुझे बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां क्लियर मुद्दा है वो अपोजिशन में बैठने वाले हैं और आगे भी. तो इसलिए बीजेपी ज्वाइन की. ये तो अब वही भगवान की कृपा है मोदी जी, और उन्होंने आज मंत्री बना दिया. दृढ़ विश्वास था कि मुझे जरूर कॉल आएगा. कब कॉल आया? सुबह एक तस्वीर आई आपकी, भागते भागते आप जा भी रहे थे, तो कब आपको इन्फॉर्म किया? कल सुबह 8 बजे मुझे टेलीफोन आया, कल शाम को 8 बजे मुझे टेलीफोन आया भी आपने अमित शाह जी के घर सुबह 9 बजे आना है, और 9 बजे वहां से उन्होंने बताया भी 11:30 आपने पीएम रेजिडेंस जाना है. उसके बाद उस वहां जाके पता चला जब पीएम साहब ने ये फैसला लिया. पंजाब के अंदर बीजेपी को लेके बहुत फ्रिक्शन है, किसान आंदोलन भी हुआ. आपको क्या लगता है कि क्या प्रायोरिटीज होंगी आपकी, ताकि बीजेपी को लेकर और सरकार को लेकर जो छवि है वो सुधर सके? वो देखो, बिल्कुल आपने ठीक कहा, तभी इसीलिए पंजाब में ना एमपी होके तब भी मिनिस्टर बनाया. क्यों? इसीलिए भी पंजाब उनकी प्रायोरिटी है, और पंजाब में ये इश्यू हैं, ये मानना पड़ेगा. और ये इश्यू कैसे आगे ठीक करने हैं, मैंने हर भाषण में ये कहा था, मैं ब्रिज बनके पंजाब और सेंटर में ब्रिज बनने का काम मैं करूंगा. वो मसला, उसमें आप कोई भी मसला ले आए, वो ब्रिज बनने का काम शुरू हो जाएगा. आखिरी सवाल, आपके परिवार ने शहादत भी दिया, बेन सिंह जी के ग्रैंडसन है, कांग्रेस का क्या भविष्य देखते हैं, इंडिया अलायंस का क्या भविष्य देखते हैं? कांग्रेस तो आज वो पार्टी है, अभी तक एलओपी का फैसला नहीं करेगी, वो अलायंस में कहां क्या कर सकती है. मुझे बहुत, मैंने 15 साल मेंबर पार्लियामेंट में रहा हूं, और बहुत मैं करीबी से पार्टी को देखा है. वहां पे कोई किसी का किसी के लिए कोई कुछ नहीं है. आज भी अगर बने हैं, सोनिया गांधी जी बन गए, और आगे एलओपी बनाने की बात है, वो भी गांधी फैमिली की बतानी. आगे टिकट लड़ने की बात है, वो भी प्रियंका गांधी की आएगी. वो इसलिए लोग सब जानते हैं उनकी प्रायोरिटी एक फैमिली है, फैमिली के बाहर वो उनका मतलब किसी स्टेट किसी लोगों के साथ कोई वास्ता नहीं है. और सैर करने के लिए वो यात्रा भी करते हैं, और वो जो मर्जी करते रहें, उनको कभी भी मैं समझता हूं ना लोग सीरियस लेते हैं ना वो लोगों को सीरियस लेते हैं. धन्यवाद से बात करने के लिए. ये थे रवनीत सिंह बिट्टू, चुन के नहीं आए हैं सांसद, लेकिन फिर भी मोदी सरकार में अब मंत्री बनेंगे. साफ तौर पर कहना है कि दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी के लिए पंजाब कितना इंपॉर्टेंट है. प्रदीप गुप्ता के साथ मैं राहुल गौतम, आज तक के लिए. Our viewers would recall that Home Minister Amit Shah, when he was campaigning in Ludhiana, had said that Bittu mera dost hai and main Bittu ko bada aadmi banaunga. He kind of promised that to the voters. He lost a very tight battle in Ludhiana by just about 20,000 votes. He was up against Amrinder Raja Singh Waring of the Congress. And he'd earlier won from Anandpur Sahib, this time losing in Ludhiana. But despite that loss being included, and that there is a strong message to voters in Punjab in that inclusion.